जय श्री श्याम। मंजू की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे और मक्के के आटे की बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी और खस्ता मथरी, और साथ में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटनी। तो आइए शुरू करते हैं बनाना बाजरे और मक्के के आटे की मठरी। बाजरे और मक्के के आटे की मठरी बनाने के लिए ये मैंने 1 कप बाजरे का आटा लिया है, 1/2 कप मक्के का आटा लिया है, 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं, मैंने इसे बॉईल करके ग्रेट करके रखा हुआ है, 1/2 कप मटर लेंगे, मटर को भी हम क्रश कर लेंगे, मिक्सी में थोड़ा सा पीस लेंगे इसको, और ये मूंगफली है, रोस्टेड मूंगफली है, उसका मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। अब हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। मठरी बनाने के लिए एक बाउल में हम बाजरे का आटा लेंगे, 1/2 कप मक्के का आटा लेंगे। अगर आप मक्के का आटा नहीं लेना चाहें तो खाली आप बाजरे के आटे से भी बना सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं, या थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं। 2-3 चम्मच मूंगफली का पाउडर डालेंगे पिसा हुआ, 1/2 कप क्रश करी हुई मटर डालेंगे, खूब सारा हरा धनिया डालेंगे, 1 छोटी चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। अगर आप लहसुन खाते हैं तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच अमचूर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच सूखा धनिया डालेंगे पिसा हुआ, 1 छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम ग्रेट करा हुआ आलू डालेंगे। मठरी में हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, ये आलू से ही आटे को लगाएंगे हम। 1 छोटी चम्मच तेल डालेंगे, ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका हम टाइट सा आटा लगाएंगे। मठरी का आटा लग के तैयार हो चुका है, इसको हमें इस तरह से टाइट रखना है। बिल्कुल थोड़ा सा तेल और डालेंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा आटा लग के तैयार हो चुका है। इसे हम 10 मिनट ढक के रख देंगे, तब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। गार्लिक चटनी बनाने के लिए 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। इसमें अब ये लहसुन डालेंगे, ये लहसुन को मैंने छिल के मोटा मोटा कूटा हुआ है इस तरह से, इसको हमें बारीक पेस्ट नहीं बनाना, इस तरह से मोटा मोटा कूटना है। फ्लेम को कम कर देंगे, ये 3 टेबल स्पून लहसुन है, इसको बस हमें इतना हल्का सा भुनना है। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल पाउडर डालेंगे और इसको भुनेंगे अच्छे से। 4 टेबल स्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे, एक छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, ये सभी चीज़ें मिक्स करेंगे हम। 1/2 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये लहसुन वाली कटोरी है, इसमें भी हम थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल देंगे। फ्लेम को तेज कर दें, इसमें मैंने 3/4 कप पानी डाला है, और इसको गाढ़ी होने तक पकाएंगे। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये चटनी बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, कोई भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं, दाल चावल रोटी पूरी सब्जी, आप किसी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगती है चटनी। इसको अच्छे से उबालने देंगे, जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो गैस को हम बंद करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है। ये चटनी को हम 4-5 मिनट तक इस तरह से ही पकाएंगे, बीच बीच में 1-2 बार चला देंगे, और ये चटनी थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए इसने तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है, अभी इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे। चटनी अच्छे से बन चुकी है, ये देखिए इसने तेल छोड़ दिया है और काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। ये ठंडी होने के बाद थोड़ी और भी गाढ़ी हो जाती है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। लहसुन की चटनी को हम ठंडी करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, और ये 1 हफ्ते तक हम फ्रिज में रख सकते हैं इसको स्टोर करके। इसको हम 1 बाउल में निकाल लेंगे, और ये हमारी बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट गार्लिक चटनी बनके तैयार हो गई है। मठरी के आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, चटनी भी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम मठरी बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा हाथ पे तेल लगाएंगे, अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े तोड़ेंगे इस तरह से, नींबू के साइज के, इस तरह से हम छोटे छोटे पेड़े तोड़ेंगे। तेल को भी हम गर्म करने के लिए रख देते हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पे। सभी लोइयां बनके तैयार हो चुकी है, अब इनके मठरी बेलना शुरू करेंगे। थोड़ा सा चकले पे तेल लगाएंगे, आप चाहे तो मठरी को धीरे धीरे हाथ से भी बढ़ा सकते हैं, या हल्के हल्के हाथ से बेलन से बढ़ाएं।
इसको बहुत धीरे धीरे और हल्के आंच से करना होगा, नहीं तो ये टूट जाएगी। और इस तरह से उठा के इसको हम रखते जाएंगे और सभी मटरी को बेल लेंगे इस तरह से हम। और ये सभी मटकियों को मैंने बेल के तैयार कर लिया है, अभी इसे हम फ्राई करेंगे। पहले हम तेल को चेक कर लेते हैं, अब ये धीरे धीरे उठ के आ रहा है, इसको मतलब तेल हमारा गर्म हो चुका है। हमें बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म तेल नहीं चाहिए, तेल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करेंगे। इसमें हम मट्ठी डालना शुरू करेंगे, इसमें हम एक बार में 4-5 मट्ठी डाल देंगे। अब मट्ठी को हम जब तक नहीं छेड़ेंगे जब तक ये धीरे धीरे ऊपर ना आ जाए। हम डालते ही मट्ठी को नीचे लाएंगे, नहीं तो मट्ठी टूट जाएगी। मट्ठी धीरे धीरे ऊपर आ गई है और थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन भी हो रही है, हल्की हल्की सी सिकनी भी शुरू हो गई है। अब इसको हम धीरे धीरे पलटेंगे। इस मट्ठी को बना के आप काफ़ी लंबे टाइम तक खा सकते हैं बना के, ये सर्दियों में बहुत टेस्टी लगती है चाय के साथ, चटनी के साथ। अगर आप इसको तलना नहीं चाहते तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं तवे पे, और उसको आप लंबे टाइम तक भी रख सकते हैं। इसको मीडियम फ्लेम पे हम धीरे धीरे इस तरह से बार बार पलट पलट के तलेंगे, जिससे अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाए। मट्ठी का साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा और बड़ा कर सकते हैं, आप चाहें तो बिल्कुल छोटी भी मट्ठी बना सकते हैं इसकी। ज़्यादा तेज़ गैस पर मट्ठी को नहीं तलेंगे हम, ज़्यादा तेज़ पर तलेंगे तो मट्ठी अंदर से कच्ची रह जाएगी। ये बाजरे के आटे का स्नैक्स बहुत तेज़ सर्दी में बहुत टेस्टी लगता है खाने में, जब सर्दी बहुत तेज़ पड़ रही हो तो इसको खाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगती है ये। मट्ठी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, क्रिस्पी हो गई है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सिक गई है ये। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसी तरह से हम बाकी की मट्ठियों को भी तलेंगे। ये मट्ठी भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अच्छे से सिक चुकी है, इसको भी हम टिश्यू पे निकाल लेंगे। अगर आपकी मट्ठी डालते समय फूल रही है तो आप पहले से उसमें थोड़ा सा फॉक से छेद कर लें, इससे बिल्कुल भी नहीं फूलेगी। इसी तरह से हम सारी मट्ठियों को तलेंगे। और ये हमारी बाजरे की बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी मट्ठी बन के तैयार हो चुकी है, और ये लहसुन की भी बहुत टेस्टी चटनी बन के तैयार हो चुकी है। ये मट्ठी देखिए कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है, ये ठंडी हो जाएगी तो और भी अच्छी क्रिस्पी हो जाती है। मट्ठी बनाते समय हमें 2-3 बातों का जरूर ध्यान रखना है। मट्ठी का एक तो आटा हमें एकदम टाइट लगाना है, नरम आटा नहीं होना चाहिए, और मट्ठी को हमें इस तरह से बिल्कुल पतला पतला बेलना है और हल्के हल्के आंच से बेलेंगे इसको। अगर हम थोड़ा दबा के बेलेंगे तो ये नीचे चकले पे चिपकेगी, इसलिए हम इसको हल्के हल्के आंच से बेलेंगे। और अगर आपकी डालते समय फूल रही है तो बाकी की मट्ठियों पर फॉक से छेद कर लें, इससे फूलेगी नहीं और भी अच्छी क्रिस्पी बनेंगी। और ये हमारी बहुत ही टेस्टी मट्ठी बन के तैयार हो चुकी है, अब इसका हम एक प्लेटर रेडी करेंगे। ये मट्ठी खाने में बहुत टेस्टी है, एक बार इसे अपने घर पे आप जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। अब इसका हम एक प्लेटर रेडी करेंगे। बाजरे की मट्ठी को हम लहसुन की चटनी के साथ तो खा ही सकते हैं, आप अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ खा के इंजॉय कर सकते हैं, और साथ में चाय लेंगे तो खाने में मट्ठी बहुत टेस्टी लगेगी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।